अरे बहुत दिनों के बाद हम सब ही मिल रहे हैं, हम सब लॉकडाउन में थे, थोड़ी ना मैं कुछ अलग हूँ, पर इतना अच्छा लग रहा है सबको देख के। और आपने गाना देखा संजय सर का? ऑफ कोर्स, वेल आई एम हियर टू सपोर्ट संजू, आई मीन सॉरी संजय गगनानी बिकॉज ऑफ हिज सॉन्ग। गाना मैंने देखा, बहुत प्यारा है और उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी एक्टिंग की है, डांसिंग की है, एंड इट्स गुड ना उसको एक अलग अवतार में हम देख पा रहे हैं। जो विलेन के अवतार में हमेशा हम उनको देखते हैं, यस, तो आपको लगा कुछ अलग? लाइक सी, देखो वैसे भी जो भी संजू को जानता है सभी जानते हैं कि वो तो बिल्कुल पृथ्वी है ही नहीं, ही इज अ वंडरफुल गाय, मतलब मेरा तो वो फेवरेट है, सबको ही पता है। तो अच्छा है ना उसको अलग अलग काम करने का मौका दे, यू नो, मिल रहा है। एवरी एक्टर वॉन्ट्स डिफरेंट रोल्स, आई मीन हर एक्टर का सपना होता है कि हमें कुछ अलग करने को मिले। सो बहुत अच्छा लगा उसको अलग किरदार में देखा, रोमांटिक हीरो डांस कर रहा था, अमेजिंग एक्सप्रेशन, अमेजिंग केमिस्ट्री, सो या बहुत अच्छा लगा, एंड इट्स अ लवली सॉन्ग। और आगे की क्या प्लानिंग होगी उनकी, आपको क्या लगता है कि वेब सीरीज करना चाहिए, आपको क्या लगता है, एडवाइस क्या देना चाहिए? वेल अभी तो कुंडली भाग्य सुपर हिट चल रहा है, तो ऑब्वियसली यू नो मेक द मोस्ट ऑफ इट, आई होप दे हैव मेनी मेनी मोर टू कम, फिर आगे का देखेंगे। और मैम बिग बॉस कितना देख रही है, राकेश है, आप लोग सबको बिग बॉस इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? यस, मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ, सारे एपिसोड्स नहीं देखे, मैं थोड़ा बहुत देखा है। राकेश और शमिता के बीच में कुछ चल रहा है, खिचड़ी पकड़ी? आई डोंट नो, मैंने इंस्टा पे देखे कुछ क्लिपिंग्स, लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज दोनों की पेयरिंग काफ़ी प्यारी है, दोनों बहुत ही अच्छी तरह से, एंड दोनों सिंगल भी है, सो दे लुक क्यूट टुगेदर, आई तो लाइक देयर पेयरिंग। काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं दोनों। देखो मैं राकेश को बहुत सालों से जानती हूँ, प्लस वो मेरा को एक्टर था बहू हमारी रजनीकांत में, सो ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, यू नो वो जो है वो ही है, एंड यस ही इज़ एन इमोशनल गाय, एंड यू नो इज़ बीन थ्रू अ लॉट, सो आई थिंक इट्स ग्रेट, लाइक दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं। आपको लगता है बिग बॉस में शादी हो सकती है? ऑफकोर्स कपल्स की शादी हुई है, युविका प्रिंस की हुई है, कितने लोगों की हुई है, वाई नॉट, यू नेवर से नेवर। और इसके अलावा कोई है आपके और कोई फ्रेंड या कोई किसी को आप सपोर्ट कर रही है? निशांत है, निशांत को आप जानते हैं? हाँ निशांत को ऑफकोर्स मैं जानती हूँ, लेकिन रिधिमा गई थी अनफॉर्चुनेटली, एविक्ट हो गई, लेकिन रिधिमा को ऑब्वियसली मैं ब्लाइंडली सपोर्ट करती हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो भी हमारे साथ रजनीकांत में थी, सो हम तीनों यू नो वहाँ से को एक्टर्स हैं। आई डोंट नो वाई अनफॉर्चुनेटली वो एविक्ट हो गई, मैं देख नहीं पाई, सो आई डोंट नो। रिधिमा की बात करें अगर दूसरे कंटेस्टेंट प्रतीक को काफ़ी हंगामा कर रहा है और जीशान के साथ झगड़ा हुआ और उनको निकाल दिया गया। आई नो अभी मैंने सुना, देखिए आई रियली डोंट नो, देखो मैं रिधिमा के साथ काम कर चुकी हूँ, राकेश के साथ काम कर चुकी हूँ, हम लोग तो टीवी में 16-16 घंटे साथ में रहते हैं, मैंने तो कभी उसको ऐसे देखा नहीं, सो यू नो मैं कभी किसी को जज नहीं करती बिकॉज वो जो घर है, वो जो गेम है, वो जो फॉर्मेट है, वो बहुत अलग है, एंड दैट कैन ब्रिंग आउट द वर्स्ट साइड इन यू, यू नो सो, एंड वो अभी ही बहुत सारे इमोशनल्स यू नो चीज़ों से गुजर चुकी है, सो यू नो यू नेवर नो क्या होता है और हमको क्या दिखाया जा रहा है, बिकॉज मैं तो रिधिमा को सालों से जानती हूँ। और आने वाले दिनों में कोई प्रोजेक्ट आपके हम जानना चाहते? यस, मैंने एक वेब शो के लिए शूट किया है, लेकिन आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक अबाउट इट। नहीं मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगी, बट इट्स अ प्रोजेक्ट विथ विच इज़ डायरेक्टेड बाई कुणाल कोहली सर, एंड इट हैज़ प्रतीक बब्बर, इट हैज़ लारा दत्ता, एंड मेरा एक छोटा सा रोल है उसमें। कब तक आएगा, मतलब इतना, मतलब आई डोंट नो, लाइक वो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी। 21 में आ जाएगा, आई होप सो, मैं भी देखना चाहूँगी। आखिर में अपने फैन से क्या कहना चाहिए? वेल आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम ऑलवेज टू कीप लविंग एंड सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू गाइज गिव मी। Thank you. Thank you.